हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी जो ग्रुप 5 की वैकेंसी आई है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने जो ग्रुप 5 की वैकेंसी निकाली है उसमें पैरामेडिकल के सारे कोर्सेज की वैकेंसी आई है। वैकेंसी है पर सिर्फ और सिर्फ नेत्र सहायक मतलब ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट की कोई वैकेंसी नहीं आई है, जिसके लिए हमने आज भोपाल में 3 जगह ज्ञापन दिया है व नेत्र सहायक के पोस्ट की मांग की है। जिसमें सबसे पहले आज हमने जो सतपुड़ा भवन में जो संचनालय सेवाएं देखते हैं या जो वैकेंसी निकालते हैं उनको ज्ञापन दिया है। उनका नाम डॉक्टर अंशुल उपाध्याय है, उनको आज हमने ज्ञापन दिया है। और चूंकि सतपुड़ा भवन में अभी रिनोवेशन का काम चल रहा है, इसलिए वो सर हमें NHM में मिले मतलब नेशनल हेल्थ मिशन में मिले और वहाँ जाके हमने उनको ज्ञापन दिया। और जो दूसरा ज्ञापन है उसे हमने स्वास्थ्य मंत्री को दिया है, जिनका नाम प्रभुराम चौधरी है, जो कि भोपाल में हमको मिले। और जो तीसरा ज्ञापन है वो हमने शिक्षा मंत्री को दिया है, जिनका नाम विश्वास सारंग है, उनको हमने दिया है। और सभी जगह से हमको पॉजिटिव मैसेज मिला, पॉजिटिव बातें मिली। उन्होंने कहा, उन्होंने हमें यह आश्वासन दिया है कि आपकी जो पोस्ट है बहुत जल्द से लाएंगे व बहुत जल्द से आपकी जो पोस्ट है वो आएगी। इस तरीके से आज हमने भोपाल में 3 जगह ज्ञापन दिया है कि जो नेत्र सहायक हैं, ऑप्थेल असिस्टेंट हैं, उनकी भी पोस्ट निकाली जाए। क्योंकि उनकी पोस्ट एक तो 2 से 3 साल में वैकेंसी आती है, उसके बाद भी जो ग्रुप 5 है, जो PEB है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन जो बोर्ड है, उसके थ्रू ही ऑप्थेल असिस्टेंट की जो नेत्र सहायक की भर्तियाँ होती है। पर इस बार उसकी कोई वैकेंसी नहीं आई है, सिर्फ रिफ्रेक्शन की आई है, जिसकी जो पोस्ट है वो हम नहीं भर सकते, मतलब हम उसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। पर अगर नेत्र सहायक की पोस्ट आती है तो उसमें जो ऑप्टोमेट्रिस्ट होता है वो नेत्र सहायक, रिफ्रेक्शन, कोई भी पोस्ट आती तो उसमें भर देता है। और दोस्तों, जब हम आज शिक्षा मंत्री के यहाँ गए तब उनके वहाँ आज उन्होंने ये अनाउंस भी किया कि अब जो MBBS की पढ़ाई है या फिर जो मेडिकल की पढ़ाई है वो हिंदी लैंग्वेज में भी होगी, जिससे हिंदी मीडियम स्टूडेंट को भी काफ़ी लाभ मिलेगा व वो भी अच्छे से पढ़ पाएंगे व समझ पाएंगे। और इसका उद्घाटन 16 अक्टूबर 2022 को भोपाल में ही हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके द्वारा होगा व किया जाएगा।